हेलो फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आमतौर पर मैक्सिमम ट्रैवलर्स 4 से 5 दिन का मेघालय टूर प्लान करते हैं। हमने मेघालय 15 दिन में घूमा। यहां पर 3 मेन रीजन्स हैं, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स। हम तीनों रीजन्स में गए। हर ट्राइब एरिया का अपना चार्म और यूनिकनेस है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए और कैसे आप 4 से 5 दिन का टूर प्लान बनाकर मेघालय घूम सकते हैं। इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। आप मेघालय कैसे पहुंचेंगे? शिलोंग से गारो हिल्स 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन से रीजन में घूमना है। मस्ट विजिट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस यानी आइटनरी, बेस्ट टाइम टू ट्रैवल और हम कॉस्ट ऑफ ट्रैवल के बारे में भी बात करेंगे। मेघालय में ट्रैवल करने के लिए आपको गुवाहाटी से अपनी जर्नी की शुरुआत करनी होगी। गुवाहाटी इज़ गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अगर आप इकोनॉमिकल चलना चाहते हो तो बेटर है कि आप 400 या 500 रुपये पर हेड बेसिस पे गुवाहाटी से शिलोंग के लिए शेयर टैक्सी ले लो। और अगर आप एक्सक्लूसिव टैक्सी लेंगे तो नॉन एसी टैक्सी आपको लगभग 2000 रुपये में मिलेगी और 2500 रुपये आपका एसी टैक्सी का चार्ज रहेगा। शिलोंग से 15 किलोमीटर पहले आपके राइट हैंड साइड पर आप उमियम लेक देखोगे। बहुत खूबसूरत लेक है। काफ़ी ट्रैवलर्स उमियम लेक के पास रुकना पसंद करते हैं। मेरे ओपिनियन में ये सही चॉइस नहीं है। बेहतर रहेगा कि आप शिलोंग टाउन में ही रुकें। अपनी जर्नी के डे ज़ीरो पर आप शिलोंग पहुंचकर कुछ देर पुलिस बाज़ार के पास घूमिए और वहीं पर बड़े सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आप वहां पर डिनर कर सकते हैं। वाकई वेरी टेस्टी और जबरदस्त। जर्नी के डे 1 पर आप सुबह सोरा के लिए चलिए। सोरा को काफी लोग चेरापूंजी के नाम से जानते हैं। सही नाम सोहरा है। नॉनस्टॉप जाओगे तो आप 2 घंटे में शिलोंग से सोरा पहुंच जाओगे। यहां पर सनराइज और सनसेट जल्दी होता है। अगर आप शिलोंग से सोरा के लिए सुबह 5 या 6 बजे चलते हो तो आपको घूमने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। शिलोंग में सुबह 7:30 बजे ट्रैफिक बिल्टअप होना स्टार्ट हो जाता है। जल्दी जल्दी चलने से आपका समय बचेगा। सोरा की आउटस्कर्ट्स में आप वाकाबा वाटरफॉल्स देखेंगे। सोरा में वाटरफॉल्स मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अब देखिए सामने आप वाटरफॉल, हमारे से एरियल डिस्टेंस वाइज बात करेंगे तो लगभग 300 मीटर दूर। मैं सोच रहा था वहाँ जाने का रास्ता कैसे, तो मैंने फिगर आउट किया। आप रोड से ना वो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, वहाँ बिल्डिंग से थोड़ा सा नीचे आएंगे लगभग 20 मिनट का वॉक करके तो वहाँ रेलिंग बनी हुई है, वहाँ तक जा सकते हैं। तो वो एक तरीका है जिससे आप वाटरफॉल के नज़दीक तक जा सकते हैं। डैंथलन फॉल्स। आम तौर पर जब हम वाटरफॉल के पास जाते हैं तो वाटरफॉल ऊपर से आ रहा होता है और हम नीचे से देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस ऐसा है कि वाटरफॉल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है हम वहाँ पर खड़े हैं और अपने नज़दीक से पानी गिरता हुआ नीचे देख रहे हैं। वी सॉडोंग वाटरफॉल्स हमने मिस कर दिया, ये डैंथलन वाटरफॉल के पास है। नो कालिकाई फॉल्स। जब आप सोरा आएंगे तो नो कालिकाई वाटरफॉल आप देखने जरूर आइएगा, और अगर आपके पास बायनोकुलर है तो ले आएंगे तो और आपको ज्यादा मजा आएगा। प्रेशर आप देखो पानी का कितना तेज है। सेवन सिस्टर फॉल्स हमने डिस्टेंस से देखा। वैसे आप वहां पर सामने इको पार्क है, नजदीक जाके आप फॉल्स को देख सकते हैं। किंड्रम फॉल्स मुझे बहुत पसंद आया। आप देखिए वाटरफॉल का चार्म कितना जबरदस्त है, कितनी ऊपर से पानी आ रहा है, उसके बाद उस पहाड़ पे, उसके बाद नीचे, ऐसे लेयर पे लेयर आई जा रहा है। वाओ। सोरा में आपको केव्स जाने का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। हम मौसमाई केव्स गए, अरवा केव हमने मिस कर दिया। आज का ये केव विजिट ना सच पूछोगे बड़ा ऑसम एक्सपीरियंस रहा है। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, आप जब यहाँ पर आएंगे ना सोरा में तो गलती से भी मत सोचिएगा केव मिस करने के बारे में। आप आइए यहाँ पर, समय लेकर आइए। वैसे अगर आप वॉक करना चाहें अंदर तो 7 से 8 मिनट में एंट्री से एग्जिट तक आ सकते हैं।
सोरा की एक और मेन अट्रैक्शन है डबल डेकर रूट ब्रिज। यहाँ पहुँचने के लिए आपको 3,500 स्टेप्स उतरने होंगे। एक तरह से ये फुल डे अफेयर है। अब देखिए कितनी गजब चीज़ है कि ये पेड़ की जड़ यानी रूट से इसको बनाया गया है। ये चलते 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 जड़ वहाँ तक गई और ये एक जड़ नहीं है, मल्टीपल रूट्स हैं जो सीधी स्ट्रेच वहाँ तक हो रही हैं। और डबल डेकर इसलिए क्योंकि एक रास्ता तो ये है और एक इसके ऊपर भी है, तो मैं अब यहाँ से जाता हूँ और वहाँ से जाता हूँ। ये देखिए मैं आ गया रूट ब्रिज के ऊपर। अगर आप ट्रैक कर सकते हैं तो आपको जितना मज़ा डबल डेकर रूट ब्रिज देखकर आएगा उतना ही आप यहाँ पर वाटरफॉल भी इंजॉय करेंगे। यहाँ पर वाटरफॉल में आप नहाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इस जगह के आगे एक और वाटरफॉल है जिसका नाम है रेनबो वाटरफॉल। समय कम होने की वजह से हम वहां पर नहीं जा पाए। डबल डेकर रूट ब्रिज से रेनबो वाटरफॉल पहुंचने में आपको 1 से 1.5 घंटा पैदल चलना होगा। डबल डेकर रूट ब्रिज और रेनबो फॉल्स ये दोनों आपको पैदल ही जाना होगा, आप यहां पर बाय रोड नहीं जा सकते। सोरा में कुल मिला के आपको 2 नाइट स्टे करना है। अब डे 3 की बात करते हैं। आप सोरा से चलिए और 2.5 घंटे का सफर करके आप दौकी पहुंच जाइए। क्रिस्टल क्लियर आपको वहां पर रिवर वाटर देखने को मिलेगा। बोटिंग करिए, एंजॉय करिए। वाओ कितना क्लियर दिखाई दे रहा है, देखो कितने सारे पत्थर पानी के नीचे। वेल कितनी डेप्थ होगी इसकी? 4 फीट। जबरदस्त जबरदस्त, मैंने इतना क्लियर पानी कभी नहीं देखा। वैसे हमने ये जर्नी सितंबर में करी। हमें कुछ लोकल्स ने बताया कि आप यहाँ पर दिसंबर से फरवरी के बीच में अगर आएंगे तो जितना रिवर वाटर क्लीन आप इस समय देख रहे हैं इससे भी ज़्यादा साफ आपको रिवर वाटर देखने को मिलेगा। अगर आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ में आपको इंटरेस्ट है, तो आप दौकी से स्नॉकपिडिंग चले जाइए, वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स इंजॉय करिए। उसके बाद रास्ते में वाटरफॉल्स इंजॉय करते हुए आप जयंतिया हिल्स में जोवाई चले जाइए, नाइट स्टे करिए, अगले दिन लोकल फूड इंजॉय करिए और वहाँ से आप शिलोंग चले जाइए। अगर आपके पास समय नहीं है तो दौकी से आप पोस्ट लंच चलिए और शिलोंग जाइए। आपको दौकी से शिलोंग पहुँचने में लगभग 3 घंटे लगेंगे। अपनी जर्नी के डे 4 में आप लोकल शिलोंग घूमिए। कुछ जगह जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए वो है लाइथलुम कैनियन। यहाँ पहुंचकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बादलों के ठीक बीच में खड़े हो। मैंने अपनी लाइफ में इस तरह की जगह आज से पहले कभी नहीं देखी। हम इस समय पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। ज़्यादा आगे जाना रिस्की है क्योंकि कैनियन मतलब क्लिफ, क्लिफ मतलब एकदम डीप, नीचे वैली है। अब सामने देखिए आप ये नज़ारा क्यों एक्सक्लूसिव है, मैं आपको बताता हूँ। पहाड़ आपको इस मोमेंट पे क्लियर दिखाई दे रहे हैं, हमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ से पहाड़ बादलों से ढके हुए हैं और नीचे अगर आप देखोगे तो बादल ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं नीचे से बादल और हम बादलों के ऊपर हैं, समझ लीजिए। शिलोंग में आप लोकल फूड एक्सप्लोर करिए और डे 4 का नाइट स्टे शिलोंग में करिए। डे 5 में अगर आपकी फ्लाइट या ट्रेन गुवाहाटी से शाम के समय है तो आप मॉर्निंग में शिलोंग से चलिए और 11 बजे तक गुवाहाटी पहुंच जाइए। माँ कामाख्या टेंपल विजिट करिए, लोकल फूड एक्सप्लोर करिए। इसकी अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी असम सीरीज देखिए, वहाँ से आपको आइडिया होगा कि गुवाहाटी में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो ये आपने देखी 4 नाइट्स और 5 डेज की मेघालय की आइटनरी। अगर आप पहले मेघालय आ चुके हैं तो ये सब जगह आप घूम चुके होंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस बार आप 4 नाइट्स और 5 डेज के लिए गारो हिल्स की आइटनरी प्लान करो। गुवाहाटी से आप डायरेक्टली 200 किलोमीटर का सफ़र करके टूरा जा सकते हैं। शेयर में अगर आप टैक्सी लेना चाहते हैं तो 500 रुपये पर हेड बेसिस पे आपको भरालूमुख 8 नंबर गेट गुवाहाटी से शेयर टैक्सी सुबह 6:30 बजे से दोपहर में 1:30 बजे तक मिल जाएगी। नाइट बस अगर आप ISBT गुवाहाटी से लेना चाहते हैं तो रात को 9 बजे बस चलती है जिसका किराया 350 रुपये है। आप सुबह 3:30 या 4 बजे टूरा पहुँच जाएंगे। गारो हिल्स में
खासी हिल्स की तरह टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको मेघालय का अनएक्सप्लोर्ड रीजन देखने का मौका मिलेगा, एडवेंचर सीकर्स के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन। हमने वेस्ट गारो हिल्स में जाकर पेलगा फॉल्स देखा, वहाँ पहुँचने के लिए हम केन और बैम्बू ब्रिज के ऊपर से गए। ओ मैन, व्हाट अ एक्सपीरियंस। मेघालय में रिवर ब्रिजेस का तो चार्म है। इस समय मैं केन और बैम्बू ब्रिज के ऊपर जो धीरे धीरे चल रहा हूँ ना, साइड पे हाथ लगा लगा के पकड़ पकड़ के, मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रिज हिल रहा है, लेकिन मजबूत है। दिन भर में काफ़ी लोग इससे रिवर के उस पार जाते हैं। वाटरफॉल व्यू पॉइंट तक हम पहुँच गए। आप देखिए सामने फॉल कितना तेज है और पानी अच्छी खासी स्पीड से नीचे उतर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम काफ़ी नज़दीक से देख रहे हैं, समझ लीजिए हार्डली 15 मीटर 20 मीटर दूर से। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो भी रोंगमेरम फॉल्स इंजॉय करेंगे। छोटा फॉल है, पानी ज़्यादा प्रेशर से नहीं आता। फरवरी टू मई पीरियड के अंदर आपको वाटरफॉल का वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जो आपको मानसून टाइम में मिलेगा। वाटरफॉल्स एक्सपीरियंस करने के लिए आपको रेनी पीरियड में ही आना चाहिए, यानी जून से लेके सितंबर के बीच में। आप हुलॉक गिबन सेंटर जाकर हुलॉक गिबन देख सकते हैं। दिस गिबन्स आर वेरी स्पेशल, दे आर लाइक एप्स एंड दे आर लाइक ह्यूमंस। दे आर वेरी एंडेंजर्ड, सो वी नीड टू प्रोटेक्ट देम। दैट्स व्हाई वी आर रेस्क्यूइंग देम फ्रॉम द पीपल, गिविंग देम गुड फूड एंड ऑल्सो ट्रीटमेंट, सो दैट दे कैन गेन वेट, बी हेल्दी एंड दे कैन बी रिलीज बैक इन द वाइल्ड। दारी बोकरे जाकर आप वापस टूरा भी आ सकते हैं और चाहें तो वहां पर आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं। जगह बड़ी खूबसूरत है, वाओ लवली प्लेस। और ये सब लोकल घर है तो यहाँ कुछ होमस्टेज वगैरह भी है इस एरिया में? हाँ होमस्टेज है नीचे में। बहुत अल्टीमेट जगह है, बहुत अल्टीमेट है। मेरे को अगर इतनी जानकारी पहले होती तो शायद मैं वन नाइट स्टे प्लान कर लेता। यहाँ पर सफर करते हुए हमने एक दिन सोंगसारी कम्युनिटी के साथ भी बिताया। इनका रहन सहन, फूड कुकिंग का तरीका एकदम ट्रेडिशनल। ऐसा ट्राइब जिसकी रहन सहन एक तरह का है, और जैसे हमने यहाँ पर नोटिस किया कि इनके पास घड़ी नहीं है, तो ये आसमान को देखते हैं और टाइम की जजमेंट कर लेते हैं। सुबह 4:30 बजे खेत में निकल जाते हैं, शाम को 7 बजे सो जाते हैं। तो ये बड़ी सारी चीज़ें जो इनकी कम्युनिटी को बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अलग करती है। देखिए टूरा वेस्ट गारो हिल्स में आता है, 2 से 3 दिन यहाँ घूम लेने के बाद आप साउथ गारो हिल्स में बालपाखरम नेशनल पार्क जा सकते हैं। टूरा से बालपाखरम नेशनल पार्क लगभग 170 किलोमीटर दूर है। 2 दिन का ये ट्रिप है, वहां पर जाना और वहां से वापस लौट कर आना। हम साउथ गारो हिल्स नहीं जा पाए। आपको मैं साउथ गारो हिल्स के कुछ और फेमस डेस्टिनेशंस के बारे में बताता हूं। सिजू केव्स, मैंने सुना रियल केविंग एक्सपीरियंस अगर आप लेना चाहते हैं तो आप सिजू केव्स जाइए, हमने मिस कर दिया। अगली बार में जब मैं आऊंगा तो मैं इंश्योर करूंगा कि हम सिजू केव्स और साउथ गारो हिल्स जरूर एक्सप्लोर करें और एक्सपीरियंस करें। सिजू केव्स टूरा से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाने के 2 रूट्स हैं, एक है वाया बागमारा और दूसरा वाया विलियम नगर। आपको बागमारा जाने के लिए शेयर जीप तो टूरा से मिल जाएगी, लेकिन उसका कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है, तो बेहतर रहेगा अगर आप अपनी प्राइवेट टैक्सी करके वहाँ पर जाएंगे। बागमारा में आपको पिचर प्लांट देखने को मिलेगा। आपकी नॉलेज के लिए ये प्लांट इंसेक्ट खाता है। साउथ गारो हिल्स में आप जावावारी और अगिनवावारी भी जा सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि मैं साउथ गारो हिल्स नहीं जा पाया, तो जो आप यहाँ पर फोटोग्राफ्स देख रहे हैं वो हमें कुछ लोकल्स ने दिए हैं। अगर आपके पास 8 से 10 दिन का समय है तो 4 दिन आप खासी हिल्स में बिताइए। डॉकी से आप अपनी आइटनरी को फॉलो करते हुए नॉन्गस्टॉइन का रूट लेते हुए टूरा आ जाइए। रास्ते में आप मॉफन लूर विजिट करिए, बड़ी खूबसूरत जगह है। विश्वास नहीं हो रहा मेरे को, मेरी आंखों पे मैं क्या लोकेशन देख रहा हूँ, क्या व्यू है सामने, देखिए मॉफन लूर। ये तो आप ब्यूटी शब्द ही नहीं है इतनी खूबसूरती को बयां करने के लिए, क्या खूबसूरत लोकेशन है। इस समय सिर्फ एक ग्रुप है जो टूरिस्ट ग्रुप आया हुआ है, अदरवाइज यहाँ हमारे सिवा और उनके सिवा कोई नहीं है। इसका मतलब ट्रैवलर्स को नहीं पता इस जगह के बारे में, कम्प्लीटली अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन इन वेस्ट खासी हिल्स एरिया। हम नोंगनम नहीं जा सके तो आप वहाँ जाइए, सुना है ये भी बड़ी प्यारी और खूबसूरत जगह है। अगर आप डॉकी से या शिलोंग से होते हुए नॉन्गस्टॉइन वाला रूट टूरा जाने को लेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ इतने खूबसूरत सीनिक व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे कि आप दंग रह जाएंगे। सिर्फ एक बात का ध्यान करिए,
कि आप अर्ली मॉर्निंग निकलिए 5 बजे या 6 बजे, जिससे कि अंधेरा होने से पहले आप टूरा पहुंच जाएं और रास्ते में आपको हर एक सीनिक व्यू एंजॉय करने का मौका मिले। बेस्ट टाइम की बात करें तो आप अगर यहाँ पर वाटरफॉल्स देखना चाहते हैं तो आप मानसून टाइम में आइए, आपको यहाँ की बारिश देखने को मिलेगी और खूबसूरत वाटरफॉल्स फुल फ्लो में देखने को मिलेंगे। मेघालय को एबोड ऑफ क्लाउड्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप यहाँ पर डॉकी का क्रिस्टल क्लियर रिवर वाटर देखना चाहते हैं तो नवंबर से फरवरी के बीच में आइए। अगर आप मेघालय जर्नी के साथ साथ असम का काजीरंगा भी क्लब करना चाहते हैं तो आप मानसून के टाइम मत आइए, क्योंकि काजीरंगा उस समय क्लोज रहता है। वाओ, व्हाट अ मूवमेंट! हमारे ठीक 20 मीटर दूर दो हाथी एकदम बीचों बीच। दिल खुश हो गया इतने नजदीक से एलिफेंट देखकर। फाइनली काजीरंगा ट्रिप हमारा सक्सेसफुल हुआ। विंटर टाइम की ऑप्शन भी अच्छी है, मॉनसून भी अच्छी है, अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए। वैसे अगर ओवरऑल तौर पे बात करें तो एनी टाइम इज गुड टाइम टू ट्रैवल इन मेघालय। अब कॉस्ट ऑफ ट्रैवल के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी फैमिली में 2 एडल्ट और 2 बच्चे हैं तो एक दिन की कॉस्ट आप लगभग 10,000 रुपये लेके चलिए, जिसमें आपकी टैक्सी का चार्ज, स्टे, फूड और साइट सीइंग आ जाएगा। हमने 15 दिन की जर्नी में एक्सपीरियंस किया कि एवरेज होटल या गेस्ट हाउस या होम स्टे हमें 2,500 रुपये पर डे बेसिस पे डबल ऑक्यूपेंसी में मिला, क्योंकि हम सितंबर महीने में गए थे। यही अगर हम मानसून टाइम में जाते तो कॉस्ट 2,500 की जगह 3,000 रुपये होती। नवंबर दिसंबर के समय 2,200-2,300 रुपये में आपको डबल ऑक्यूपेंसी सेम लेवल का मिल जाएगा। ये ध्यान रखिए कि अगर आप मानसून टाइम में मेघालय में ट्रैवल करते हैं तो प्री बुकिंग होटल की करवा लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम ट्रैवलर्स मानसून के समय मेघालय जाना पसंद करते हैं। दूसरी बात, अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आपको यहाँ पर 1 पर्सन एकोमोडेशन 500 रुपये से 1,000 रुपये पर पर्सन में मिल जाएगी, लेकिन आपको मेन शिलोंग टाउन में नहीं मिलेगी, आपको 2 से 3 किलोमीटर आउटस्कर्ट्स की ओर जाना होगा। अब बात करते हैं, अगर आप शेयर में शिलोंग ट्रैवल करेंगे, मतलब शेयर टैक्सी में ट्रैवल करेंगे, तो उस सूरत में आपकी मोबिलिटी एक तरह से रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकेंगे। फूड की अगर बात करें तो यहाँ पे रेस्टोरेंट फूड तो हर हिल स्टेशन की तरह यहाँ पर भी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप जाडो शॉप में जाकर कुछ खाना खाते हैं तो आपको यहाँ पर हाइजीनिक फूड खाने को मिलेगा और जाडो स्टॉल्स यहाँ पर जगह जगह हैं। आपने न्यूज़ में सुना होगा मेघालय रेजिडेंस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसमें टूरिस्ट जो 24 घंटे से ज़्यादा के लिए मेघालय आते हैं उनको एक तरह से एक परमिट निकालना होगा, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से निकाला जा सकता है। अभी तक, यानी जिस दिन ये वीडियो बनाया जा रहा है, ये एग्जीक्यूट नहीं किया गया। जब ये एग्जीक्यूट होगा इसकी डिटेल्स हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। वैसे अगर ये बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है और एग्जीक्यूट भी हो जाता है तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये परमिट निकालने का प्रोसेस काफ़ी सरल होगा। जिस तरह से आप किसी होटल में अपनी चेक इन इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऑलमोस्ट उसी तरह से आप ये ऑनलाइन या ऑफलाइन निकाल सकते हैं, किसी भी तरह से आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो इस समरी वीडियो में हमने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। मेघालय के बाद आगे चलकर आप उड़ीसा सीरीज़ देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेघालय सीरीज़ खूब इन्जॉय करी और आप उड़ीसा सीरीज़ भी बहुत इन्जॉय करेंगे। बताइए समरी एपिसोड आपको कैसा लगा। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।